जो ये आदेश निकाला है वो आदेश वापस लें, और हम अगर फीस नहीं लेंगे तो एक तरफ सरकार के लिए स्टाफ को भी आपको पेमेंट करना है, आपका जो भी है सब कुछ करना ही है, तो एक तरफ हमारी जो MI है वो देनी है, एक तरफ स्टाफ को पेमेंट करना है, एक तरफ हमारे बिल्डिंग का किराया है, ये सारा हम कहाँ से लाएंगे। इसलिए हम सब जितने भी पूरे राजस्थान प्रदेश में जितने भी स्कूल संचालक हैं, आज करीब 7 से 8 जनों ने आत्महत्या कर ली है, तो ये बहुत बड़ी दुख वाली बात है। इसीलिए हम सब जनों ने मिलकर आज यहाँ पे ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने, इस तरह से विकृति फरमान जारी नहीं करें। हम सबकी यही मतलब इच्छा है कि एक बार वापस विचार विमर्श करें, वरना हम आगे भी बड़ा भारी मतलब आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है। आप भी चुनाव चाहोगे ना? सरकार ये बेचुकी फरमान को निरस्त करें और आदेश जारी करें कि विद्यालय अपनी फीस लेकर के और स्टाफ को पेमेंट सैलरी और बाकी जितनी भी है EMI इत्यादि जितनी भी सामग्री है उनको देने में काम कर सके और निजी विद्यालय बच सकें। जो आज दुर्दशा की स्थिति में और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो विद्यालय हैं जिनकी वार्षिक फीस 5,000 से 10,000 के अंदर है, 10,000 को ज़्यादा हो जाती है, 5,000 के अंदर भी वार्षिक फीस है और बड़ी बुरी स्थिति के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनके साथ बड़ी ज्यादती हो चुकी है और वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारे स्कूल संचालकों ने अपनी आत्महत्या कर ली है। अगर सरकार ऐसा बयान नहीं निकालती है तो आपका आगे का क्या कार्रवाई हो, आप क्या करोगे? सर, अगर सरकार हमारे स्कूलों के बारे में अगर विचार नहीं करती है तो हम आगे कड़ी से कड़ी विरोध करेंगे सरकार का, और सब स्कूल को मिलकर राजस्थान के सब जो एसोसिएशन बना हुआ है, हम SST के माध्यम से सरकार का कड़ा कड़ा विरोध करेंगे। थैंक यू सर। अपने गोविंदा तहसील में किसी भी स्कूल को आप चेक कर लो जिसकी फीस मिनिमम 10,000 से कम, वार्षिक फीस को भी 10,000 तो बहुत ज्यादा सर, 5,000 से भी कम है, मतलब 6,000-7,000 ये फीस है वार्षिक फीस। अब उसमें हम क्या कमाए और किसको क्या दें, सैलरी कैसे सैलरी दें, और उल्टा और गवर्नमेंट कह रही है आप फीस नहीं ले सकते। और जब स्कूल खुला, अब स्कूल तो नवंबर में खुलेंगे तो हम इनको रेंट कैसे देंगे? हमारे ये ऐसी स्थिति आ गई है और दूसरा काम तो है नहीं, स्टाफ को बेचारे स्टाफ कह रहे हैं सर आप 100 रुपए भी दो हमको घर खर्च चलाने के लिए, पानीपुरी का थैला चल रहा है। आपस में कॉन्ट्रैक्ट एक तरह तो गवर्नमेंट ये कहती है कि सारे स्टाफ को आप सैलरी दें जी, और एक दूसरे तरफ ये कह रहे हैं कि आप फीस नहीं दे गार्जियन को, ये कहते हैं जब स्कूल खुलेंगे तब तब फीस लोगे, ऐसा कौन सा वैलिडिटी सर? सारे पेरेंट्स तो ऐसा थे नहीं कि जो किसान ही है, अधिकतर गवर्नमेंट सर्वेंट भी तो होंगे ना, तो गवर्नमेंट सर्वेंट लॉजिकल बात है, जब आप इन्हें ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं सारी चीजें तो इनकी एफर्ट्स पूरे कर रहे हैं। यस, और ऑनलाइन में सर डबल एफर्ट्स हो रहा है, ऑनलाइन में डबल, ऑनलाइन हमारे लिए बस की बात नहीं थी आज, ये सर ये ऑनलाइन लेना हमारे कोई बात नहीं थी, हमने ट्रेनिंग ली बकायदा, उसके बाद हम ये ऑनलाइन कर रहे हैं और हमारे एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, तो भी ये चीज वैलिड नहीं है। और वो कह रहे हैं कि आप जब स्कूल खुलेंगे तब फीस लेंगे, जो देने लायक थे वो भी आज फीस नहीं दे रहे, एक मान भ्रमित हो जाता है। सर प्लीज रिक्वेस्ट है सर, ये आप जहाँ तक लिखा हुआ राज्यपाल सर तक आपको लेटर के साथ इसको फॉरवर्डिंग बनाएंगे, कलेक्टर महोदय को भेजेंगे, वहाँ से आएंगे राज्यपाल महोदय को आपके यहाँ से गोविंदा की तरफ से पहुँच जाएगी। जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद।